अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का भी 8 बज रहा है, बज गया समा, वो 7:30 बज रहा है। आज बेटी भी मेरा साथ सुबह सुबह उठ गई और घर झाड़ू करके, बिस्तर झाड़ करके, घर झाड़ू करके, पोछा लगाई, टॉफी को घुमा के लाई, पॉटी सुसु करा के फिर उसको धो भी दी। अभी नहाने जा रही, वो सोमवार करती ना कैसे करेगा वही समझ में नहीं आ रहा। आज सोमवार करेगी, फिर कल शिवरात्रि है, मंगलवार खाती नहीं है कोई, आज दिन भर नहीं खाएगी, कल दिन भर नहीं, परसों चल पाएगी नहीं चल पाएगी। हम बोल रहे आज दिन भर में थोड़ा सा कुछ खा लो, पता नहीं क्या करेगी। मेरा सब भगवान का सब सफाई होगा, थोड़ा बहुत जो बर्तन था ये था अभी सुबह है सब सफाई कर लिए हैं, वही साफ कर रहे थे तो बेटी दूसरा काम सब कर लिया। बर्तन वर्तन भी धो लिए थे रात को, पोछा करके भी रख दिए थे, बर्तन सब सजा दिए थे। अभी जा रहे हैं नाश्ता बनाएंगे, मूंग दाल फ्राई कर रहे हैं, डालमा बनाएंगे और छिलका बनाएंगे। दाल को जो फ्राई नहीं कर लिए थे उसको तेज पत्ता नमक हल्दी देके बैठा दिए थे, फिर उसमें आलू बैंगन थोड़ा उबला उबाल हो गया, उसमें उबाल आ गया तो इसमें आलू और बैंगन छोटा छोटा काट के डाल दिए। बाद में टमाटर देंगे, इसको अभी छौंका नहीं लगाए, छौंका बाद में लगाएंगे। इसमें आटा दिए, नमक और चीनी दिए, थोड़ा सा दूध देंगे, पानी देके इसको घोल बनाएंगे। कुछ नहीं किया, उपवास किया जो सोमवार गई। हम जा रहे हैं, नाश्ता वाला बर्तन हम ही धोएंगे और थोड़ा मसाला वसाला छुड़ा रहे हैं, लंच के लिए तैयार कर रहे हैं। मार्केट से आते समय अंडा टूट गया था, इसको फ्राई कर ले रहे हैं और उबला हुआ अंडा आलू का कड़ी बनाएंगे। सुबह का जो सब्जी वो है और ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, आज का मेनू ही है। मार्केट से अंडे लाने के टाइम ये टूट गया है, इसको फ्राई कर दिए हैं, इसको ये अंडा कड़ी का साथ मिला देंगे। अभी आलू फ्राई कर रहे हैं, आलू फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। आज का सब्जी बनाए हैं, मूंग दाल को फ्राई करके आलू बैंगन टमाटर देके डालमा बनाए हैं, इसको डालमा बोला जाता है।
सुबहरे बनाए थे नाश्ता में भी किया, बाकी भी है। और इसमें अंडा आलू करी बनाए हैं। आज का मेनू यही है। डिनर कर लिए, दिन का सब्जी था, सब्जी नहीं बनाए, रोटी बनाए, सिर्फ डिनर हो गया है। बेटी उपवास की है, हम बोले कुछ तो खा लो, तो केला खाया है। दो ठो सोमवार किया कुछ नहीं खाया, इस सोमवार को केला खाया है, वो भी खाती नहीं, हम कितना बोले तब खाया, क्योंकि कल जो मंगलवार नहीं है, शिवरात्रि है, इसीलिए कल भी पूरा दिन उपवास करेगी, तो कुछ तो खाएगा। शरबत सुबह एक गिलास पी थी, अभी शाम को हम बना के दिए थे गिलास पी, सुबह वो आपने बनाई थी। और अभी केला दो गो खाया, दो गो ना तीन गो, तीन गो केला खाया, बस और कुछ नहीं खाया है। थोड़ा बाहर काम का ये में गया था, ब्लॉक में कुछ कागज बनाना था, इसीलिए बाहर गई थी, थोड़ा लेट से आई। धूप भी बहुत था एकदम, जमशेदपुर का धूप गर्मी बहुत है, ठंडा कम पड़ता है, लेकिन इस साल ठंडा भी बहुत था, इसीलिए गर्मी में बहुत गिराएगा। एक तो डॉगी बच्चों को जिस टाइम बेटी को फोन करें हम बोले कब तक आएगी, तो मैसेज कर दी जो हम 3 बजे तक आएंगे, 3 बजे आपसे बात करेंगे, क्योंकि ब्लॉक में भीड़ था बहुत, आराम जो काम में गया था वो काम में कर रही थी, इसीलिए फिर जब फोन की वो ना मेरा डॉगी लोग को खाना दे दिए, निकोन एक तो डॉगी बच्चा को ना, उसका दूसरा डॉगी का बेटा था ना बड़ा वाला, एकदम मुंह का अंदर घुसा लिया और पूरा गड्ढा कर दिया है खून में। हम बेटी उस टाइम फोन कर रही थी मेरे को, और हम उधर बाहर में उन लोग को छुड़ा रहे थे, जितना छुड़ाने बेटा वो खिड़की से डर रहा था, हम अपने बाहर जाके कर नहीं सक रहे थे, वो डॉगी तो मेरे को डर भी नहीं रहा था, फिर कितना दिक्कत करके उसको छुड़ाए, बहुत डांट डांट के पत्थर मारने खोजे, तब जाके मेरे हाथ में उस टाइम डंडा भी नहीं था, जो डंडा ले जा घर का अंदर में था, लेकिन हम डंडा लेने आएंगे तब तक तो उसको जान से मार देगा, इसीलिए डंडा लेने नहीं आ रहे थे, फिर छोड़ दे के भाग गया, लेकिन उसका ना गड्ढा कर दिया, खून निकल गया, उसका माँ भी लड़ रहा था उससे, फिर उसका माँ उसको खून जो पूरा उसका आँख का ऊपर कान में हो गया था, पूरा उसको जीप से चाट पूछ के ठीक कर दिया उसका माँ। देख दूसरा डॉगी का बच्चा लोग कोई काटने से ना माँ लोग कुछ नहीं बोलता, खड़ा रहता, लेकिन ये देख रहे हैं ये डॉगी तो ना जो काट रहा उससे लड़ने चला जा रहा, लड़ रहा था दूसरा का, मतलब अपना बच्चा को बचा रहा था। फिर क्या करें, छोड़ा के लाए, फिर थोड़ा देर हम लोग का गेट का सामने में बैठा, पानी पिलाए उन लोग को। उस टाइम बेटी का 4 गो फोन आ गया, जैसे हम घर का अंदर आए फोन बज रहा, फिर उठाए तो बेटी बोली मम्मी आप कहाँ चले गए, इतना फोन कर रहे हैं हम फोन नहीं उठा रहे। हम बोले ये ऐसे ही हुआ, इसीलिए लेट बाहर चले गए थे थोड़ा। फिर बेटी आई, बेटी आने के बाद थोड़ा बैठी, शरबत पी, फिर मतलब थोड़ा लेटे थे, फिर उसके बाद उठ के रोटी वोटी डिनर विनर तैयार किए। उसका सह फ्रेंड भी गई थी उसका साथ में, अकेले नहीं गई थी, उसका फ्रेंड एक तो गई थी। बेटी जो गई थी काम में ना, इसीलिए उस टाइम फूल मंगा के रख लिए हैं, कल सुबह सुबह पूजा देने जाएंगे, फूल और पूजा का कुछ सामान वो सब मंगा लिया। हम नहीं गए मार्केट, बोल रही थी वो वहाँ से मम्मी आइएगा मार्केट, हम बोले नहीं हम जाएंगे ना, मेरे को जाने को मन नहीं है, क्योंकि आज बहुत बड़ा एक तो भारी कम्बल खींचना पड़ा अकेले को। कल तो थी बेटी बेड कवर, ये बेड कवर हम लोग जो बिछाते हैं जो बिस्तर में ना, ये बेड कवर तो बहुत भारी है, और वो कल खींच दी, तो इसीलिए इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, और बाकी जो छोटा मोटा सब है हम खींच लिए थे, आज तो सब छोटा मोटा भी खींचना पड़ा, और जो भारी टाइप का बहुत भारी है, और ये सब पानी में भिंगो देने से ना और भारी हो जाता है, इसीलिए क्या करें खींचने पड़ा अकेले को, उसी में मेरा दर्द हो गया शरीर हाथ पैर थोड़ा।
आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा भी नहीं लगेगा। गुड नाइट, बाय।